तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको कीबर का ये नया पिस्टल आया है 1911, तो इसको दिखाऊंगा। और ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को क्यों लेना चाहिए, कौन कौन सा इसमें यूज हुआ है, कौन सा मटेरियल यूज हुआ है और इसकी क्या खासियत है, ये सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, पूरी वीडियो देखना। तो इसकी कुछ पैकिंग इस तरीके से आती है, ये बाहर का हटा देते हैं सबसे पहले, उसके बाद कुछ इस तरीके की पैकिंग आती है। बहुत ही प्रीमियम लुक वाली पैकिंग है ये, राजा महाराजाओं वाली। सबसे पहले केस से स्टार्ट करते हैं, जो कि इटली का निग्रीनी कंपनी का इंपोर्ट हुआ हुआ है और ये रियल लेदर में है। केस ही बहुत अच्छा है क्वालिटी का, विद सेफ्टी लॉक्स हैं। और अभी आप आगे की आगे चलते हैं, इसके लॉक आप चेंज कर सकते हैं, जो इन मेनू यूजर मैनुअल में आप लोगों को सारा कुछ दे रखा होगा। एक बार इसकी खासियत थोड़े थोड़े हम आप लोगों को पढ़ा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मेड इन इटली, रियल इटालियन लेदर में केस है इसका। और ये वुड, इसके बारे में बताया, बॉक्स के बारे में, इसके बारे में कंपनी का नाम बता दो एक बार। नेग्रीनी कंपनी का है, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है ऐसा बताया जाता है। कीबर ये यूजर मैनुअल है, इसको कैसे यूज करना है इसमें सारा कुछ डिटेल दे रखा है, इसको भी साइड में रख लेते हैं। उसके बाद ये मेन चीज है जिसकी कुछ खासियत है, आप लोगों को समझा देते हैं, थोड़ा सा फोकस करने में दिक्कत हो रही। सबसे पहला पॉइंट है, ये टर्की का मेड है, सारे इम्पोर्टेड, सारे मेन पार्ट इसके टर्की से इम्पोर्ट किए गए हैं। सेकंड है, ये हैंडगन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इसको अमेरिकन राइफलमैन यूएसए में 2024 में, तो लॉस वेगस में ये शो हुआ था, उसमें हैंडगन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है गिरसान कंपनी को। थर्ड है जी, इसके जो मैगजीन है वो इम्पोर्टेड है सारे, ये भी इटली के मैनुफेक्चर हैं, एक्ट मैग के। और फोर्थ पॉइंट है, ये जो भी पिस्टल है सारा 25% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ इसको बुलेट में डाल के टेस्ट किया गया, जो कि फ्योची से इंपोर्ट किया गया था। और ये इन्होंने चेक किया, ये क्रिश्चियन एटले जो कि एक्सपर्ट है जर्मन से, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है, वॉल्थर स्टेयर, फ्रैंकप्रो इंस्टीट्यूट, ब्रेटा मरीनी, इन सभी बड़ी कंपनियों के साथ इन्होंने काम किया है। इसकी वीडियो भी है पर्टिकुलर, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके ले सकते हो। तो ये तो होगी। अब इसका कहने का मतलब ये है, देसी भाषा में मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ, जो इसके बुलेट होते हैं वो उसमें 25% एक्स्ट्रा बारूद होता है, जो ज़्यादा ब्लास्ट करता है, तो उसका रिकॉल, इसका बैरल तो नहीं फटेगा, वो ऐसे करके इसको टेस्ट किया गया है। उसके बाद आती है पिस्टल की बारी, पिस्टल देखिए, और इसमें ये गेट स्टिकर लगा हुआ आप लोगों को देखेगा, लाइफ टाइम वारंटी के साथ। ये दिखेगा आप लोगों को, बाकी कुछ इस तरीके का अगर फोकस सही से हो पा रहा है तो ये देखे, ये पिस्टल है गिरसान का, जो कि कीबर की ब्रांडिंग के साथ आएगा, कीबर को मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिला है। और ये पिस्टल सबसे बड़ी बात, 45 कैलिबर में सबसे लाइटेस्ट पिस्टल अभी तक का इंडिया का, 715 ग्राम विदाउट मैगजीन इसका वेट है। और ये फुली इम्पोर्टेड पिस्टल है, मतलब कुछ भी इंडिया में पार्ट नहीं है इसका, सबसे बड़ी बात है। और दो मैगजीन के साथ, 7 राउंड 2 मैगजीन के साथ आता है, और बहुत ही ज़बरदस्त ये पिस्टल है, ऐसे लॉक हो जाता है सेफ्टी। ये पिस्टल को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर बटन दे रखा है, बाकी सेफ्टी यहाँ पे, और हैंड ग्रिप वाला लॉक भी है, वैसा सेफ्टी भी यहाँ पे ये दे रखा है, आप इसको सेफ्टी लगा सकते हैं, ऐसे जब लोड करेंगे तभी सेफ लगे, अभी तो इसमें बुलेट नहीं है। तो ये देखिए दोस्त, और इसके क्या क्या साथ में मिलता, बाकी तो ये देखिए, इसकी फिनिशिंग देखिए, इसकी पैकिंग देखिए, क्या मतलब राजा महाराजा वाली फील आ रही है। ये बाकी ये जर्मन के ऑयल के साथ है, ब्लास्टू का ऑयल है, और ये क्लीनिंग रोड सारा कुछ, सब कुछ इंपोर्टेड है, इंडिया में इसका कुछ भी नहीं है, बस इंडिया के आपको बिल ही मिलेंगे जो हमारी शॉप से मिलेंगे, बहुत लिमिटेड पीसीज हैं, कुछ ज़्यादा पीसीज नहीं है। तो इसको बुकिंग कराने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिए। और ये फर्स्ट टाइम आपको कोई वीडियो नहीं देखा होगा तो ये पहली वीडियो बन रही है मेरे ख्याल से पूरी इंडिया में फर्स्ट वीडियो है इस इंपोर्ट पिस्टल का। ज़्यादा महंगा भी नहीं है ये, पर ठीक है, ठीक रेट में है, और बहुत ही लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, कहीं भी ले जा सकते हैं। और दूसरी बात, ये बाहर के उससे बना हुआ है, और ये मतलब टेस्ट किया गया है इसको बहुत अच्छी तरीके से। आपने इंडियन मेड एक 4-5 में चैम्पियन देखा होगा, जो कि इससे हैवी है वेट में, ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स का फर्क है, और उसकी बॉडी यहाँ से हैंड पीछे से ना ग्रिप उसकी बड़ी लगती है, तो इसको पूरा पर्टिकुलरली बनाया गया कि इधर से भी सेम साइज में लग रहा है, तो उसका अपना हैंड वाला पार्ट उसका ज़्यादा बड़ा लगता है, बॉडी वाला ना,
इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से है, इसको पूरा उसी हिसाब से बनाया गया जो इंडियन वाला बनाया गया है, उसका खाली आगे का कम किया गया है, तो उससे उसकी शो उतनी अच्छी नहीं आती इसकी। ये बाहर का है तो आप जानते हैं कितने कम प्राइस में, वो भी अच्छा है थोड़ा सा, अगर आपका बजट अच्छा है तो ये भी आप चूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।